चलिए नमस्कार प्रणाम। हम हैं राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। तो आज हमनी के सिवान नगर परिषद के सबसे तेज तर्रार आ एगो प्रतिष्ठित वार्ड कमिश्नर यहाँ के जदयू के उपाध्यक्ष भी रनी है इंतखाब अहमद जी से मिलल जाए। तो बहुत बहुत स्वागत बा हमरा भोजपुरी बात कही में। और आज हमनी के नगर परिषद सिवान के पोल खोलत आनी जा। यहाँ के लगातार नगर के सिवान नगर के साफ सफाई आ तमाम जितना ही घुसखोरी वगैरह बा ओकर यहाँ के विरोध करत आइल बनी। यहाँ के अलग एगो पहचान बा। तो इंतखाब भाई बहुत बहुत स्वागत बा। आ हम आज चर्चा करे चाहते हैं कि नगर परिषद में अभी जौन लूट खसोट घोटाला हो रहा बा ओकरा बारे में हमनी के कुछ रुआ विस्तृत रूप से हमरा श्रोता के हमरा सुनवैया के रुआ बताएं। देखिए तो हमेशा अपने सहयोग रहल बा। आज जैसे सहयोग रहल वैसे आदमी काम कैले बा। टेंशन नहीं के अब बहुत मार्गदर्शन भी तरह से मिलल बा अपना के एक कहल जाए कि मार्गदर्शन भी मिलल बा। यही हो तरह के सपोर्ट के वजह से हम आगे भी काम कैले बनी। प्रशासनिक सपोर्ट भी भइल बा हमरा मिलल बा। आप जनता के भी सपोर्ट मिलल बा। सबके सपोर्ट मीडिया बंधु के मिलल बा। तब आदमी लड़ाई लड़ले बा हर चीज के। एक बार हमेशा लड़ल बाटे। हम 2007 से नगर परिषद में रहनी 2007 से अब तक आदमी लड़ा था। लेकिन जहाँ तक बात बा कि पूछो तनिक अभी मतलब तत्काल में का मामला बा सब यो बोर्ड को अछूता नहीं है। अच्छा इस बोर्ड में भी 49 लाख रुपया के सड़क तरौरा मोड़ से लेके बढ़िया स्टैंड तक 5 फीट चौड़ीकरण रोड बनावल जाते हैं। एमे हमने नगर सभापति सिंधु सिंह बाड़ी ये अध्यक्ष भैया के बाद एक खुदे एग्रीमेंट कैली कि हम ठेकेदार रहे में जबकि सरासर एकदम गलत बा। अध्यक्ष भैया के बाद एक एग्रीमेंट नहीं कैल जा सकत। लाभ के पद पहुँच जाए अध्यक्ष पद चल जाए। अच्छा बाद भी सब कुछ हटा के सरकार के जितना सरकार तो अभी देखत रही क्या पोजिशन चलता पिछला सरकार भी ओकरा बाद भी एग्रीमेंट कैली कैला बाद काम कैली। काम कैला बाद 49,91,500 रुपया अपना खाता में भुगतान भी करा लेली। अच्छा अच्छा अब बताए ओकरा बाद भी प्रशासनिक लोग से सब लोग लिखल पड़ गई बर्बादी कोई ज्यादा कार्रवाई ना भइल। फिर एने आदमी लागल एमे धरना प्रदर्शन भी भइल देखनी के धरना प्रदर्शन भी कनी समय के ओकरा बाद डीएम साहब महानालय के सामने रुअल धरना प्रदर्शन कनी एकरा बाद डीएम साहब पर संज्ञान लेनी। आ डीएम जब संज्ञान पर लेनी तब जाके जाँच करेनी। अपने बताओ तो जांच जो बात 13 जुलाई जून के छठा महीना में आज 12वां महीना चलता 13 जून 2020 के जांच रिपोर्ट जमा हो गई जिला पदाधिकारी कार्यालय में। अच्छा लेकिन 6 महीना से उस जांच रिपोर्ट पर आज तक कोनो कार्रवाई ना भई। 49 लाख रुपया के रिपोर्ट सब कुछ आ गई सब उल्टा पुल्टा भइल बा। यहाँ तक जाँच कमेटी अनुशंसा कर रस के प्राथमिक करे खातिर FIR के अनुशंसा कैल। अच्छा अभी शायद ना जानते क्या अनुशंसा बाद भी अभी तक कोनो कार्रवाई ना भेल। अनुशंसा के 6 महीना बाद तक आज भी जाके देख ली रखल बा केसी साहब के चेम्बर में अथी डीएम साहब गोपनीय शाखा में फाइल। आज 2 सदस्यीय जांच कमेटी रहे कमाल की बात बा। केसी साहब रमन साहब रहन लोक शिकायत पदाधिकारी सुप्रीम राय जी रहन 2 सदस्यीय जाँच कैल ई रिपोर्ट जमा कैल। अभी बताएं कि सरकार में बाणी समझ के हैं और किकरा के भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन दे तक के रुकत एक मतलब कहीं ना कहीं हो सकेला कि घुसखोरी के आलम होके वो लोग के पैसा पहुंचा देल गए लोग के। अब तो ऊपर के लोग जानते हमें का बात बाटे लेकिन ये हमारा कहे मतलब हम पे जनता ही जानता चाहे हमने की जानता है। 6 महीना पहले अगर जाँच रिपोर्ट प्रतिवेदन आ गए पेपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होके चाहिए। कार्रवाई होके के चाहिए। अगर कार्रवाई ना हो तो भ्रष्टाचारी के मन तो बढ़ी लूटपाट की तरफ बढ़ी। और समझी कि हम कुछ कर तनी कुछ हमरा होते नहीं है कोई भी समझी ये विभाग नगर पालिका ही ना समझी। नगर परिषद के अलावा जिला के कोनो विभाग ही समझी कि जांच रिपोर्ट अच्छी बात अफसर में छिपल नहीं है। ये बात सब अफसर जानता है कि भाई यहाँ जांच रिपोर्ट आई लंबित रखल गई आज तक। तो जब जांची रिपोर्ट लंबित रही तो हर अफसर जानी तू अपना विभाग में भी करी अरे जब कार्रवाई वहाँ नहीं करो तो हमारे कहा हो। आप बताएं आप कहिए सरकार का मोटो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त राज्य ती हो ना संभव है ना। ये जोनी है स्थिति सामने आ रहा बा मामला जोनी है सामने आ रहा इससे तो सीधा सीधी पता चलता कि खूब खाई आ कुछ पैसा चुरा के जे जांच में आवता
ओकरा के दे दी कि कुछ हमरा होखबे ना करे। एक पहले भी रुआ लोग एगो बहुत बड़ा मामला के खुलासा कैले रहनी कि अभी जो नगर परिषद अध्यक्षा बनी वहाँ के लड़का के नाम से वहाँ के और भी रिश्तेदार के नाम से एगो ठीका रहे और उनमें पैसा के निकासी हो गए रहे, काम ना भई रहे। देखिए वो तो छोट चीज़ बन रहा पालिका खातिर। एक और तो बताओ तो नहीं कि नगर परिषद सीवान ही आप शहर में जाए पूरा ढाला पर तो बस स्टैंड बने ले मतलब यात्री सेट खोल के रखें पैसेंजर पैसेंजर सेट जो सेट जो बनेले बस सेट कहाँ बनेला पटना में जहाँ लोकल शहर के बस सेवा चलता बस सेवा जहाँ चलता दिल्ली में बाटे नगर बस सेवा नगर बस सेवा चलता सीमा में कोनो बस सेवा नहीं कि खाली लूटपाट के नियत से बस पैसेंजर बस स्टैंड बनाओगे यात्री सेट एगो यात्री सेट 16 लाख रुपये का बनाओगे। अच्छा। आप जाके और फोटो देख ली ले ली और नेट पर जो देखें जैसे इंडिया मार्ट में वो चेक करें कि वो स्टैंड बनेला कितना में उगावेला बनेला 2.5 लाख से लेके 1.5 लाख रुपये तक कितना फ्रेम कितना के संख्या में बा 6 गो बनल बा तो 6 गो भैया 16 लाख के हिसाब से 96 लाख रुपये। अच्छा अब बताएं कि 96 लाख रुपये नगर पालिका से यहाँ से निकलल यात्री सेट के यहाँ जनता के 96 लाख में कितना सुविधा मिलती इस सेट से कौन जनता की सुविधा मिलल मैंने करोड़ों रुपया के लूट करोड़ों रुपया के इस सेट से जनता के काम मिलल फायदा मिलल बस चलेला आप जाके स्थिति देख लियो कितने स्थिति में बनल बा कितने बा आज जाके हसन पूरा ढाला जब जाए तो वहाँ 2 गो बनल बा एगो श्रीनगर में बनल बा एगो ना बनल बा 6 गो शहर में बनल बा हम 2 गो फोटो देखने जाके लिए नहीं बोला आप लिख के बोलबो कहीं नहीं बताई 96 लाख में बहुत निकालल तो सारा सरी अवैध वक्त प्रशासन 2 लाख रुपया में 2.5 लाख में बनता तो 16 लाख में कहे निकासी हुई कि बताइए जब सारा प्रशासन के मालूम बा कि हाईसन निकल तो लिख पढ़ के जिला पदाधिकारी को जानी प्रधान सचिव को जानी निगरानी के दिल बनी हो। अच्छा लेकिन ये बताइए कोनो पर कार्रवाई भइल होके FIR भइल होके वो कटल नहीं के होगा ठीक बा ठेकेदार मान लीजिए भी रहे समझी बात के नगर पालिका में होला का हम वाली पद पर डमी ठेकेदार रख लो जला हम ठेकेदार बनवा देंगे लाइसेंस तारा नाम पर आपके नाम लाइसेंस बन गए अभी लाइसेंस लेके 2 गो डमी ठेकेदार मिल के अप्लाई कर देने एक आदमी डाल दे 16 लाख एक आदमी डाल 17 लाख एक आदमी 18 लाख चाहे तो बना 16 लाख कम पैसे ले लो जी एक मार्केट रेट पता ना कर लो ऑफर सब मिलल बहन जो चीज 1 लाख के बाद 2 लाख के बाद ओकरा 16 लाख में किनाइल मार्केट रेट ना पता कर सब मिलल बा लूट के खाए के एगो तरीका ही बनावल बा ई बताएं कि जब एक पर 96 लाख की हो गई 49 लाख होने भइल कोई पूछे वाला ना ई सिंधु मैडम कार्यकाल हम इनके अभी के नहीं कर 6 महीना पहले का मीडिया लिखी ना प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाई ना का मने ऐसे जौन सामने सब मामला लगातार आ रहा बा एगो और बात बताओ तुमने अपने के जमीन घोटाला जानते नहीं यहाँ सीवान के बहुत ज़्यादा बा सीवान में 4 करोड़ रुपया जमीन किनल गई जमीन किनल ठीक बा जमीन किनल गई पहला चीज हम रहे कि जमीन गलत किनल गई जमीन पर कब्जा नहीं है जमीन दूसर लोग के जमीन के जाली कागज बना के बेचल दूसर लोग दूसर चीज़ों में रहे जमीन के पैसा जो भुगतान हो चाहे जो रजिस्ट्री करला ओकरा खाता में जाए के चाहे एमे भइल का के रजिस्ट्री करला ओकरा खाता में ना गेल वो 2 करोड़ रुपया बिचौलिया दलाल के खाता में गए जो ना रजिस्ट्री करले बिना कुछ बा उन्हें आ ओकरा खाता में पैसा गए आ 2 करोड़ रुपया इन्होंने बंडर बांट कर गए ओकरा खाता में उन्हें खाता में मन माफिक जे दलाल के बांट गए अब एक और रिपोर्ट जो हमने धरना प्रदर्शन करी सन एकर भी जांच भइल एकर भी जांच रिपोर्ट ये DM साहब जांच कइलन आ ये आपके 2 सदस्यीय टीम रमन साहब आ विपिन राय जी 2 वरीय पदाधिकारी जिला के इन्होंने जांच करके जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपा तो जांच रिपोर्ट को सौंपे हुए उसका भी लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया और उसमें भी है कि ये लोग गलती किया सब प्रमाणित पाया गया सारा चीज़ बस आप तो पूरा लिस्ट लगाए हैं कौन कौन लोग पैसा लिया
जमीन खरीद मामले, जमीन खरीद मामले में उसके बाद भी 6 महीने से बोलोगे उस पर जमीन खरीद में 4 करोड़ रुपया का मामला उठा, आज तक एफ आई आर नहीं हुआ किसका, इसको भी विक्रम कुमार मानीपुर राजमंत्री द्वारा लिखा गया, मिला मुख्यमंत्री के मिल के दिया गया। उसके बाद बताइए कितना ही कॉकस बड़ा है, ये कार्रवाई के नाम पर फाइल हिल नहीं रहा है। कहल जा सकेला कि मीडिया कुछ छापत नहीं थे आ जिला से जोन जांच होता वो टीम पर जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं थे हो, मुख्यमंत्री के यहाँ भी रोल सौंपनी तो कोनो कार्रवाई नहीं थे होते, मतलब तो कहीं ना कहीं एगो ये पूरा ग्रुप बा एगो स्कैंडल बा जोन की जाके वो जब पैसा देता अब तक का देता का लेता तो नहीं बता सकता के नहीं कह सकते हम कि का देता का लेता है ठीक बा, लेकिन हमार मांग बा कि गलत जो कैले बा तो वो कार्रवाई होके चाहिए, लेकिन ए पर कार्रवाई नहीं कैल, उल्टा हमने से आदमी के झूठा केस मुकदमा फंसा गए। अच्छा अपने जान तो नहीं हमारा पर दू गो झूठा केस हो, एगो नगर पालिका के पदाधिकारी रहलन उ हमारा पर मिल के एफ आई आर करेलन जेके प्रशासन जाँच करके लास्ट में केस के फॉल्स कल। अच्छा ये सब उठैला के कारण हमारा पर इो जानते नहीं हमारा मर्डर केस में नाम डालल गए, हमारा के हमारा मर्डर केस में फंसा गई, वो प्रशासन हमारा के क्लीन चिट दिल जांच करा के कहे के मतलब ये बा कि सही बोलना पर भी धर्म पर चार बोल से कि भ्रष्टाचारी इतना मजबूत बा सन कि केस मुकदमा फंसा सकते रह सन हत्या भी करा सकते रह सन, लेकिन एक प्रशासन के थोड़ा भी ध्यान नहीं थे जोन आदमी इतना कर्त उठावता मामला के लड़ता ओकरा साथ क्या करे चाहिए। चलिए अभी हमनी के जो सुनत नहीं जा कि हे धरती फाट काहे नहीं खुजात कि ये स्थिति बा धरातल पर लगातार काम जोन हो रहा बा ओकर उल्टा के पुल्टा बिल बना के या चोरी डकैती लूट कल जाता ओकरा बाद भी प्रशासन कोनो एक तो कदम नहीं खे उठाओ जे ये चीज के उजागर करता ओकरा के रंगदारी में या कोनो कोनो केस में फंसावल जाता ओकर मर्डर भी हो सकेला, तो ए पर आज जोन चीज कोनो ना मीडिया छापता ना कोनो चैनल दिखावता उ चीज भोजपुरी बदकही के माध्यम से रुआ के रुआ सामने ले आओ तनी तो रुआ लोग प्यार बनाई आशीर्वाद दी आ और भी मामला कुछ होके तो सामने ले आए। देखिए सिवान नगर परिषद में एक डीजल घोटाला चलता, अच्छा 2017 से भी पहले से भी चलता होत का लाग जब एनजीओ यहाँ काम करता शहर में जब एनजीओ को 2,35,00,000 रुपये एक साल दिया हमने के खाली डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन खातिर, अच्छा ओकरा बाद भी हमने के यहाँ लेबर रख के सफाई के नाम पर हर महीना 7,00,000 रुपया से 6,00,000 रुपया डीजल के नाम पर पैसा फर्जी निकासी होला, डीजल जरता सफाई होता डीजल नहीं के जरत सफाई तो नगर पालिका एजेंसी दे देलो करता, जैसे डीजल जरत 100 रुपया के बिल बोलल 300 रुपया समझ नहीं तो होला का अपने यहाँ के फर्जी वाउचर कोई डीजल काट दिला अपने यहाँ आप पेट्रोल पंप पर ले जाए लोग कि 50 लीटर डीजल है जेसीबी के नाम पर काट दिया आ उसका नकदी पैसा पेट्रोल पंप से 45 लीटर डीजल का पैसा ले लेता है सर, 5 लीटर भरने वाला मिल जाता है अब 50 लीटर का 45 लीटर पैसा लेकर घर चलाते हैं सर। इस तरह फर्जी निकासी नगर पालिका में हुआ है, 6-7 लाख रुपये महीना निकलता था। ये जो अफसर आए हैं इनको जो टाइट बताया गया समझाया गया इनको ये जब जांच किया जो कंट्रोल करना शुरू किए तो अब जाकर डीजल घोटाला 2,55,000 रुपया पाया है एक महीने का। अच्छा तो अब समझ लीजिए कि 4,50,000 रुपया एक पहले हर महीने घोटाला रहला गाड़ी हुए चलता सिस्टम हुए बा लेकिन डीजल के नाम फर्जी बिजली निकलता हम एक के भी मांग कर निगरानी से करूँ मैंने कि पूरा डीजल घोटाला 2017 से एक जाँच करिए कितना रुपये डीजल घोटाला के नाम पर करोड़ रुपया निकाल लगे पैसा अगर 5,00,000 रुपये महीना भे तो 12 महीना 60,00,000 रुपये एक साल के भर अब 4-3 साल में जोड़ ली कितना 86,00,000 रुपये डीजल निकल नाम पर 3 साल में अगर आगे चल जाए 5 साल पड़े पीछे तो जोड़ी कितना हो छो 33 करोड़ नहीं भैल डीजल घोटाला में। पिछला बार सिवान नगर परिषद में एक टेस्ट तो टेस्ट
बिन घोटाला वाला एगो डस्टबिन हम घोटाला कहते नहीं 2017 में डस्टबिन घोटाला भेल सीवान में 2017 में भेल ओकरा जो 15 करोड़ के सामान किनल गए जेमे 11 करोड़ खाली डस्टबिन घोटाला डस्टबिन रहे ओकरा अध्यक्ष रहे बहुत चौहान अच्छा 2011-17 से डस्टबिन घोटाला जब चलता वो तो आज तक जांच प्रमाणित डी एम साहब के पास जांच रिपोर्ट अगर प्रमाणित आ गई प्रमाणित रिपोर्ट अला के बाद आज 2.5-3 साल हो गई आज तक ऊपर कार्रवाई ना बजे अनुशंसा कर लस के ऊपर कार्यपालक अधिकारी या बबलू चौहान पर फैयार करके ओकरा बाद भी लोग घूमता फिर घूमता अभी दोनों आदमी मिल के बचावता सब भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गई एक साथ मतलब अभी जो चेयरमैन साहिबा बड़ी आ पिछला चेयरमैन दोनों आदमी मिल गए दोनों मिल गए बोलो अच्छा आ मिल के दोनों आदमी भ्रष्टाचार के डूबता लोग इस वजह लोग कार्रवाई ना हो पाए लेकिन ये भूल बा एक देखा तो नहीं तैयार करते नहीं हम इस महीना तक जनवरी में उम्मीद बा और ना प्रशासन कैलस तो एगो PIL जनहित याचिका दायर करे चाहे खातिर कोनो कुर्बानी देवल जाओ देवल जाए भ्रष्टाचारी से डर नहीं है ना भय बा रहिए समाज में बा देखी इस समाज इस प्रशासन नीतीश कुमार जी लगातार जहाँ एक तरफ कह रहा बनी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाए जहाँ नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त देश के सपना देखतनी वहाँ वही परिस्थिति में वही समय में सिवान में लगातार जौन हो रहल बा इस सच्चाई रुवा सामने आ रहल बा तो देखी लगातार इंतखाब जी लागल बनी यहाँ के सिवान नगर परिषद के एगो सबसे तेज तरार वार्ड कमिश्नर अभी बानी का होता स्थिति परिस्थिति कैसन आवता आ जीत यहाँ के होता कि लूट खसोट करे वाला लोग के पैसा वाला लोग के जीत होता ये तो समय बचाए बताई तो चलें सब्सक्राइब करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही फिर एगो और ही मामला लेकर हुआ सामने आए तब तक खातिर धन्यवाद नमस्कार।